मेरा एक वीडियो है, कई वीडियो 700 711 पर वीडियो बने मेरे यूट्यूब में, उनमें से दो वीडियो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और दो वीडियो पता नहीं वही वीडियो का ट्रेंड में चले, मेरे ये नहीं समझा रहा। 3K 3K लोग अब देख चुके हैं उसको, यानी मैं जब भी देखता हूँ तो उसका व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। वो बात करें जाते हैं उसमें हाइमन के ऊपर है, जो कि हाइमन बहुत पढ़ना पसंद करते हैं लोग। देखो एक्सेल का चैप्टर है हाइमन, उसमें मैंने डिटेल्स बताया तो पता नहीं कितना उसको लाइक करते हैं। और एक बात बता दें, जहां जहां मैंने कोचिंग कराई है, जैसे नीचे कराई ऊपर कराई अपने गांव कराई, छोटे छोटे बच्चों को फॉलो करें, रिप्रोडक्शन नहीं भूले, बाकी सब भूल गए। देखो अभी पूछो ना सब बता देंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन पूरा बता देंगे कि क्लियर कर बता देंगे। छोटे छोटे बच्चे मैंने कहा लो ये कहां से पढ़ गए, बोले सर जी हम भी थे तो पीछे बैठे थे, हमें मजा आ रहा था। ये कहानी देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग जिस चीज की तरफ भागेगा 100% को लेके, वो चीज अब 100% पकड़ में आएगी, तो इसका मतलब समझ में आ गया ना कि हमारा दिमाग कवर कर रहा है। तो इसलिए सब सब हर एक कंटेंट के पीछे पूरा दिमाग लगा लो, सच्ची तो ठीक है। जब हो जाए तब है ना। अरे काय नहीं होगा भैया, हम बना रहे हैं एक चित्र बहुत ही प्यारा। देखिए भैया ये बहुत ही सुनहरा प्यार चित्र आपकी किताब में पढ़ा है, गौर से देखना। ये गाय भैंस नहीं है, इधर देखो भाई, बेबी का घर होता है, समझ बात को। बेबी मम्मी से कहते हैं इधर देखिए, बी ए बी वाई बेबी एच ओ एम ई, इसके अंदर बेबी रहता है जिसको मैंने बनाया था। मैंने बनाया था मतलब एक ड्राइंग की। अच्छा हमने बनाया था। देखिए भैया ये बेबी का हाउस हो गया, ठीक है। बेबी का हाउस में बेबी सर्वाइव करता है, ठीक है। लेकिन बेबी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए, समझ बात को, कि जितना भी वाटर मिनरल कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी बेबी को चाहिए जिससे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट और विकास हो, हमें कहाँ से मिलता है, मम्मा के प्लेसेंटा से मिलता है। यहाँ पे ये जो होता है ना, यहाँ से कनेक्ट रहता है बेबी, ठीक है। इस पूरी वायर को प्लेसेंटा कहते हैं, समझा, ठीक है। तो इस प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी जो भी खाएगी बेबी को लग जाएगा, ओके ना। कुछ मम्मी बदतमीज होती है, डॉक्टर के मना करने के बावजूद प्रोडक्ट चीजें खा लेती है, उसका सर बेबी में चला जाता है, समझा ना। अगर 9 मंथ की कंडीशन है, ठीक है, प्रेगनेंसी 9 मंथ तक चलेगी, समझ बात को, आपको बताएंगे कि बहुत ही प्यारी बात बताएंगे इसके अंदर, बहुत ही तगड़ी बात बताएंगे। तो नॉर्मली आप सब लोग पता रहता है कि जो प्रेगनेंसी होगा वो 9 मंथ तक चलेगी, ठीक है। डाइट कंटेंट पूरा खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है, जल्दी कंप्लीट होगा। अभी यहाँ पे 9, तो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चलेगी ना, तो 9 मंथ तक आपको पता होगा कि एमसी स्टॉप रहेगी, ठीक है, एसटीओपी स्टॉप रहेगी ना। तो डॉक्टर सीधे सलाह दे देगा, बेटा एक काम करना कि 9 मंथ तक कुछ उल्टा चीज मत लेना, जैसे सेव चीज हो गए, खट्टा चीज मत खाना, अगर वो खाने लायक नहीं हो, लेकिन मोस्ट आप खट्टे चीज खाने की सलाह दे देते हैं, समझ बात को। लेकिन जितना लेकिन जो भी डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शन के शांति से फॉलो करना इज्जत से। अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा बेबी जो प्लानिंग है ना, वो बेबी प्लानिंग सही तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ओके, समझ रहे हो ना। वरना देखो फीमेल क्या करती है, फीमेल से आपको बता दे, कुछ लोग कहते हैं जब ये 9 मंथ की प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसको ज्यादा काम ना करवाया जाए, ऐसे लोग कहते हैं ना, जल्द कहते हैं काम करवाना चाहिए, इस स्टेज में काम करवाना चाहिए, अगर नहीं काम करेंगे ना तो बेबी दिक्कत में आ जाएगा, इसकी बॉडी में दिक्कत में आ जाएगी। हाँ, ज्यादा भारी चीज नहीं उठा सकती, ये गलत बात है। जैसे आपको बता दें कि अगर वो कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको छत चढ़वाओगे तो कम चढ़वाना, ठीक है। हाँ, अगर पानी लेने जाना है तो पानी लेवा लो, बाकी बैठ के अगर हो सके तो खाना भी बना सकती है, काम कर सकती हो, ज्यादा ज्यादा उससे काम करवाइए। जितना काम करेगी ना, जितना काम करेगी उस जितना वो काम करेगी बेबी उससे उतना उसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन हाई होगा, जितना हाई होगा उतना उसकी बॉडी में क्षमता आएगी, जितना क्षमता आएगी उतनी इम्यूनिटी बनेगी, जितनी इम्यूनिटी बनेगी उतनी बेबी को लगेगी, और जितनी बेबी को लगेगी उतना बॉबी स्ट्रांग होता चला जाएगा। वीडियो बट काटना भी मुझे बात से ऊपर जाने दो, ठीक है। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि बेबी स्ट्रांग होगा, लेकिन हाँ ऐसा हम इसके कहने का मतलब ये भी नहीं है कि उसको बिल्कुल बोरी वोरी ला दो कहते ले चढ़ चढ़ जाएगी, इतना भी भारी भरकम काम मत देना। लेकिन उसकी बदतमीजी भी देखना कि अगर बीबी मतलब काम नहीं करे तो दिक्कत होती है। आप बता दे जो बीबी काम नहीं करती ना, वो आराम से पड़ी रहेगी, अभी हमारा काम चल रहा है, पीरियड्स चल रहा है, ये 9 मंथ पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो इतना आलसी हो जाती है ना कि उसका हार्मोन आलसी हो जाता है, तो वो बेबी को बराबर लग नहीं पाता। अगर बेबी को लगेगा ना, बेबी डिफेक्टेड पैदा हो जाएगा, समझ बात को। आप एक लापरवाही
मतलब फीमेल की एक एक से एक बढ़ के एक लापरवाही, बहुत सारी लापरवाही करती है, लेकिन हर एक लापरवाही आपको बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको बता दे कि शादी से पहले अगर इंटरपोज करोगे, शारीरिक संबंध बनाओगे, तो आगे चल के बेबी प्लानिंग में दिक्कत हो जाएगी। अगर आप किसी से हार्मोनल लेवल पर चेंजेस करोगे, जैसे किसिंग करना, लिप ब्लॉकिंग करना, अगर लिप ब्लॉक करोगे, किस टू किस करोगे, तो उसमें हमारे लाखों बैक्टीरिया मुंह से निकल के किसके यहाँ चले जाएंगे, पता है किसके यहाँ चले जाएंगे, उसके मुंह में चले जाएंगे और उसके हमारे मुंह से आएंगे। तो बेटा, तो कहने का मतलब मेरे बच्चे कि इससे दिक्कत हो सकती है। ओके, बात समझ रही ना? तो बेटा जानते हो इसका, इसको कंट्रोल करने क्या सिस्टम है? अगर हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हाई होगा तो उससे भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर जो सलाह देता है उस सलाह पर हम 9 महीने फॉलो करेंगे तभी ज्यादा दिक्कत होगी। आपका चैप्टर है इसलिए मजबूरी चलाना। हाँ, सुनिए आगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर आप लापरवाही करते हैं इस स्टेज में, तो फिर इस स्टेज में जाते जो फीमेल लापरवाही करती है उसको बेबी प्लानिंग करने के लिए जाते क्या सर्जरी करवाना पड़ जाता है, समझ बात को। और सर्जरी में आपको बता दो कि 30,000 लग जाएगा, 30,000 के लमसम लगेगा सर्जरी में, समझिए। और जो सर्जरी से बेबी प्लानिंग होगी वो नेचुरल नहीं मानी जाएगी, समझ बात को। जो नेचुरल से होती है उसकी 5,000 में ज्यादा से ज्यादा 5,000 और इससे बहुत कम, अभी गवर्नमेंट बहुत अच्छी सेवा आ गई तो 5,000 में कम, और तुमको उल्टा पैसा भी मिल जाएगा, समझ बात को। आप वहाँ पे जाओगे तो मिल जाएगा 14,000 मिलता है गर्ल्स के लिए, 14,000 बॉयज के लिए 7,000। अच्छा, मतलब जो बॉयज पैदा हुआ ना, मैंने कहा बॉयज डिलीवरी कराया गया तो उसको 14,000 मैंने कहा ये तुमने ऐसा सवाल कर दिया बेटा, बेबी गर्ल के लिए लड़का जाए, समझ बात को बेटा। ये पहले का डाटा है, मैं आपको दे रही थी बेटा, ये पहले डाटा है कि 5,000 में आपका मतलब जो 5,000 लगेगा, बेबी बर्थ भी हो जाएगा, घर में मिठाइयां भी आ जाएगी, पूरा कार्यक्रम भी हो जाएगा, डीजे बैठ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नेचुरल चीज है नेचुरल। अगर फीमेल गलती ना करे तो इंट्रक्शन का पालन, डॉक्टरों के इंट्रक्शन का अगर पालन किया और नेचुरल बेबी बर्थ हुआ तो आपको 5,000 में सब कुछ हो जाता था पहले। अब तो सारा गवर्नमेंट हमको सेवा दे रही, फ्री हो जाता है, उल्टा हमको पैसे दे रही है। जैसे आपने बोला कि लड़कों को अलग दे रही, लड़कियों को अलग दे रही, लड़कों को कम दे रही, लड़कियों को ज्यादा दे रही, हमारे पास क्या हो रहा है आगे देखिए, देख लेंगे हम सब लोग को, हमने क्या कर लिया भाई। तो कहने का मतलब अगर बाय बात अगर कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जाओगे, वहाँ पे अगर सर्जरी करना पड़ेगा तो डॉक्टर फीस लेगा, अगर फीस लेगे ना तो आपको फीस ज्यादा पड़ जाएगा, समझिए आपको ज्यादा पड़ जाएगा। इसके बाद 1 साल नहीं, 3 साल भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, समझ बात को। बेबी प्लानिंग होने के बाद आपको बार बार दवा लेने जाना पड़ेगा, फिर आप दवा लेंगे, फिर दवा लेंगे, फिर आगे दवा खाएंगे। बताओ जितनी बेसौरिया करोगे, कहा बेसौरिया करो, पूरी बेसौरिया बंद कर दो, सीधे करना, तो इस मरीज में जाने पड़ेगा। कुछ लेडीज होती है बहुत खतरनाक होती है, आपको बता दे, समझिए बात को। जितनी बहुत लेडीज खतरनाक होती है, कुछ होती है भैया मैरिज तो करा लेती है, ठीक है, मैरिज प्लानिंग हो जाती है। इसके बाद जब होता है ना कनेक्शन होता है, तो इनका दिमाग में ये रहता है फीमेल के प्लान में कि हम अभी 3 इयर्स या 4 इयर्स हम बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर बेबी प्लानिंग 3 इयर्स या 4 इयर्स नहीं करोगे ना, तो इंटरकोर्स भी मत करो भाई। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी इच्छा है दिमाग में कि हमको प्लानिंग नहीं करना, तो नहीं प्लानिंग करना, तो अपने आपको कंट्रोल करो, ये भी मेन चीज है ना। तुम कहो हमको भैया इंजॉय भी कर रहा है, बेबी प्लानिंग भी करना है, ये खास हो जाएगा। तुम कहोगे हमको दूध भी पीना है, हमारे बॉडी में घुसना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पीना पड़ेगा, अगर पियोगे तो अंदर जाएगा, सीधी बात है। ऐसा नहीं भाई पियोगे मुझे फेंक दूंगा, फिर फेंक दूंगा, इससे अच्छा पियो ना, बहुत मान, बहुत ग्रेट, आई देख लेते हैं। कहने का मेरे बच्चे ये है कि अगर आपके पास अगर कोई भी दुनिया का फीमेल पार्टनर है, ठीक है, उसको प्लानिंग नहीं करना, प्लानिंग तो अगर इस केस में अगर नहीं करना, तो अपने बॉडी को कंट्रोल करो, अपने आप को मूव मत करवाओ। लेकिन नहीं, इंसान इस दुनिया का सबसे कठोर चीज है, सबसे कठोर चीज है, समझ गया, जो अपने इंट्रैक्शन को भूल जाता है, समझ रहे। इंसानों को कुछ अट्रैक्शन दिए गए हैं, इंट्रैक्शन कुछ नियम दिए गए हैं, वो नियम को फॉलो नहीं करता, भूल जाता है। हमारी सरकार ने दिया था हम जो हमारे चार, हम और आगे नहीं जा सकते, हम जो हमारे 10 था पहले, जब देश आजाद नहीं होता, हम जो हमारे 10, उसका नारा हमने कल देखा था, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था इसके पहले, यानी 1947 के पहले का नारा हमने देखा था कि हम जो हमारे 10, जो जनरल कैटेगरी का था ना, वो हम तो हमारे 10 ही कर रहा था, समझिए बात को। आइए दिखा देते हैं आपको, 3% जनरल उस टाइम थे, देखिए 3% जनरल थे, 85% SC ST थे, हमारे इतना बड़ा देश है मेरे बच्चे, इतना बड़ा देश आप सोच नहीं सकते हो, इतने बड़े देश में 200 अंग्रेजा थे, ओनली 200 अंग्रेजा थे, 200 अंग्रेजों ने पूरे देश की ऐसी कर दी,
बड़े बड़े सच्ची बात दो, हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुगल शासनों का राज था, इतने बड़े बड़े, सुनो बात को, उनको वो जब आए थे ना तो उनके उनको पता था कि देश में, भारत देश में मतलब कि शासन करना हमारे बस से बाहर है, कोई भी देश की शक्ति है इसको शासन यहाँ पे शासन नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े राजा थे यहाँ पे, हर हर एक जात हर एक मतलब धर्म पंथ के लोग रहते थे। लेकिन देखो हम 200 लोगों ने दिमाग के दम पे फूट डाल ठीक है, डिवाइड एंड रूल का पालन करके सीधे सब कुछ निपटा दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सेम टू सेम। तो भैया हमारा देश पहले आजाद नहीं था, इन्होंने कहा कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, बहुत कम थी ना जनसंख्या बढ़ाएंगे, मार मार के रिप्रेशन कर करके छोड़ दिया, लंबा चौड़ा जनसंख्या बढ़ा दिया। लंबी कहानी आगे नहीं बताऊंगा इसके अंदर, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कहने का मतलब मेरे बच्चे ये था कि उस टाइम के जो ये 3% लोग थे, वो 3% लोग थोड़ा सा बड़े साधु भक्त थे, उन्होंने दासी रखना शुरू कर दिया। और जो जो समझी बात को, जो लड़की देख लेते थे कि लड़की अच्छी लगी उसको, उसको मंत्र मार के, समझी बात को, उसको मंत्र मार के पूरी दुनिया को फैला देते थे कि इसके अंदर देवदासी घुसी है, इसके अंदर देवदासी आ गई है। ये सब सुना करो कॉन्सेप्ट, आपके इतिहास कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर देवदासी की छवि नजर आती है। तो उसके घर से उस लड़की को जबरदस्ती उठवा लेते थे, उनके माता पिता के बिना मर्जी से, पूरे गांव की मर्जी बिना उसको उठा लेते थे। ये देवदासी है, देव तलो, देव का मतलब कि ऊपर वालों का आदेश है कि हमारी सेवा करके हमारे साथ रहेगी, हमको बिना ऑर्डर लाएगी, हमारे साथ रिप्रोडक्शन करेगी। देखिए ये कहानी थी उस टाइम की, ये हकीकत है, हमारे देश में ये हुआ है, इतनी गंदी गंदी हरकतें हुई। तो बताओ लड़कियों को ले आते थे, अम्बेडकर का नाम सुना होगा, उसकी बहन को भी ले गए थे, ले नहीं गए थे, उसके ऊपर भी छल किया गया था, ले जाने की पूरी प्लानिंग थी, अम्बेडकर ने उसको भरोसाई कर दिया था अपने दिमाग के दम पे। तो कहानी देखो ये सब कहानियां हैं, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ।